इधर है ना, हम लोगों ने देखा यहाँ पर जो ऑरेंज होते हैं ना संतरा, उसके इतने ज्यादा बाग है भाई, बहुत ज्यादा। Hey guys, good morning, welcome back my new vlog। तो गाइस यार कैसे हो आप लोग, आई होप कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक तो नहीं हूँ क्योंकि यार कल मैं आया था पश्चिम बंगाल से ना, वेस्ट बंगाल से आया था। उसके बाद इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो चुकी क्योंकि यार सेकंड क्लास में सफ़र कर रहा था, तो पूरे 20-22 घंटे ना बैठ के कर रहा था सफ़र, बैठ के मतलब सो भी गया था वहाँ पर, तो हालत ख़राब हो गई थी। भाई यार आधा कुछ सीन ऐसा है, आज हम जाने वाले हैं भाई महाराष्ट्र पुणे, है ना। तो महाराष्ट्र पुणे में क्यों जा रहे हैं और क्यों नहीं जा रहे मैं आपको वीडियो में बता दूंगा गाइस। और बाकी मैं आपको ये भी बता दूं कि उसके बाद हम जाएंगे मुंबई, और मुंबई में देखो हमारा एक मूवी का शूट है तो उसका भी शूट करना है, तो हो सकता है आपको एक दिन व्लॉग ना मिले। बाकी यार बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, देखो मैं पूरी कोशिश करूंगा फिल्म सिटी के व्लॉग बनाऊँ, और तारक मेहता का उल्टा चश्मा जहाँ पर सेट है ना उसका भी व्लॉग बनाऊंगा। तो भाई जैसे अभी का कुछ सीन ऐसा है, अभी मेरे को जाना है भाई ट्रेन में, तो मेरी ट्रेन है 12:20 की और अभी हूँ मैं जयपुर के अंदर। तो भाई यार देखो एक दिन मैं घर पर रुका था, मतलब रात को घर पर रुका, सुबह पहले मैं जयपुर में आ गया, और अभी बज रहे हैं 11 और 12:20 की ट्रेन है मेरी, तो मैं नहा धो के रेडी हो जाता हूँ और फिर डायरेक्ट आपको मिलता हूँ ट्रेन में जाके। तो भाई यार देखो अभी का कुछ सीन ऐसा है भाई, हम लोग आ चुके हैं ट्रेन के अंदर और अभी हम लोग हैं जयपुर में। तो भाई यार सीन क्या हुआ था, हम लोग जब ट्रेन के अंदर आए थे ना, तो भाई इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मैं ना उस टाइम भी लोग शूट नहीं कर पाया क्योंकि यार फ़ोन वगैरह का डर रहता है, जो अपने फ़ोन चला रहा हूँ ना, कैमरा चला रहा हूँ उसका भी डर रहता है क्योंकि स्टेशन रहता है ना, तो कोई भी फोन वगैरह छीन सकता है। और ये दोस्त मेरा आया था जयपुर से, नाम बता, सक्षम जांगिर ब्लॉगर है। तो भैया देखो अभी और सीन ऐसा है, ट्रेन चल चुकी है मतलब रन कर रही है, और हमारी ट्रिप है ना लगभग 1400 किलोमीटर की होने वाली है, तो 1400 किलोमीटर आप लोगों के साथ चलने वाले हैं और आप लोग ब्लॉग देखना, बहुत ज़्यादा मजा भी आएगा। और हमारे साथ ना भाई हमारे 4-5 दोस्त भी आए हैं जिनको मतलब मुंबई घूमना था, पुणे घूमना था। तो ये अपनी है ना जर्नी स्टार्ट रखते हैं, बाकी है ना मैं आपको यहाँ बाहर का मौसम दिखाता हूँ भाई, बाहर का मौसम कैसा हो रखा है। ये गाइस इधर बैठा है, क्या कर रहा है, मत दिखा कॉपीराइट आ जाएगा। तू है ना यहाँ पर बैठ के मच्छर मारना, ठीक है। भाई ये देखो अभी का कुछ सीन ऐसा है भाई, हम लोग पता नहीं कौन से रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं, भावनी मंडी, ये शायद मध्य प्रदेश में पड़ता है, शायद एमपी में या एमपी राजस्थान के बॉर्डर पे है। तो भाई मौसम तो एकदम मस्त हो रखा है, शाम भी होने वाली है मतलब रात होने वाली है, और यहाँ पर ट्रेन अभी रुकी हुई है, और इधर ये झुक झुक के देख रहा है, क्या देख रहा है, देख रहा हूँ भाई भवानी मंडी। क्या मिलता है इस मंडी में, सब्जियां तो मिलती है भाई, बच्चे खेल रहे इधर है ना, नहीं ये उत्तर प्रदेश नहीं है, कट्टे नहीं मिलते यहाँ पर। तो अभी का कुछ सीन ऐसा है भाई, मौसम बड़ा मस्त लग रहा है, और हमारी जो ट्रेन है ना भाई बहुत मस्त है, मतलब फास्ट चल रही है, गेट खोल देखा भवानी मंडी रेलवे स्टेशन पश्चिम, तो ये शायद मध्य प्रदेश में पहुंच गए अपन है ना, पश्चिम रेलवे, तो ये मध्य प्रदेश आ चुका है अभी, और इधर ये शायद 2 मिनट का स्टॉप रहेगा यहाँ पर, उसके बाद चलती है। भाई यार देखो हमने ना ट्रेन के अंदर चाय दिया भाई, पता है ये भर के भी नहीं दे रहे थे, थोड़ा सा चाय दिया है और इसने खाली भी कर दी, बहुत जल्दी खाली कर दी। और पता है यार ट्रेन में ना चाय का इतना ज़्यादा स्वाद आता नहीं है, जो भी है पी लेते हैं, देखो यार बिल्कुल येलो टाइप की हो रखी है ना, और ये थोड़ी ब्लैक होनी चाहिए थी, इसमें चाय नहीं डालते शायद वो लोग, दूध भी नहीं डालते। चलो चाय पी लेते हैं उसके बाद मिलते हैं। भाई यार अभी का कुछ सीन ऐसा है भाई, हमने ना मध्य प्रदेश के लगभग क्रॉस कर लिया है, और देखो यार रात भी लगभग हो चुकी है यहाँ पर हम लोगों को, और देखो यार सूरज है ना कितना ज़्यादा मस्त दिख रहा है, और हमारी ट्रेन कंटिन्यू चल ही रही है, और अभी पता है कंटिन्यू अभी आगे स्टेशन आने वाला है ना, इस वजह से ट्रेन बहुत ज़्यादा स्लो है, तो मैं इधर आके भी लोग बना रहा हूँ वैसे है ना एकदम सेफ्टी के साथ। भाई यार देखो एमपी की खास बात बताऊँ, इधर है ना हम लोगों ने देखा यहाँ पर जो ऑरेंज होते हैं ना संतरा, उसके इतने ज्यादा बाग है भाई, बहुत ज्यादा है ना। मैं तो सोच रहा था यहाँ पे ट्रेन को रुकवा लेते हैं, बोल देते हैं थोड़े से मौसम लेके आते हैं, संतरा लेके आते हैं, मैं तो बैग लेके चल भी पड़ा था यहाँ, मैं रोक दिया था इसको, कोई बात नहीं घर पे लाके खिला दूंगा, ठीक है। तो भाई यार हम है ना रात को 8:30 नहीं सुबह, कल सुबह ना 8:30 बजे पहुंच जाएंगे, बाकी ट्रेन की मर्जी है कब पहुंच जाएगी।
और मैं वेस्ट बंगाल से आया था ना, तो भाई ट्रेन है ना 6-7 घंटे लेट हो गई थी। मैं घर पे पूछा था 4:30 बजे, तो मैं आपको बता दिया था पहले ही ना, तो अभी चलते हैं आगे। भाई यार देखो, अभी रात का सीन हो जाएगा ना, उसके बाद खाना वगैरह खाएंगे। और पता है मम्मी ने है ना भाई चूरमा बना के भेजा था मेरे लिए, तो आप लोगों को दिखाता हूँ भाई चूरमा क्या होता है। राजस्थान का फेवरेट डिश होता है चूरमा, है ना भाई? सारे ये सारे राजस्थानी है, सारा चेप देंगे हम। ये पहली बार आया, घर वाले बोल रहे थे इसका ध्यान रखना, ठीक है? चलो वो कहाँ है? वो अलग बैठा है, मतलब जिसका ध्यान रखना है ना वो अलग ही है। तो अभी चलते हैं और आप लोगों से आगे मिलते हैं। भाई यार अभी का कुछ सीन ऐसा है, अभी हो चुकी है भाई रात है और मैं आ चुका हूँ अपने वाली सीट पे जहाँ पर ऊपर रिजर्वेशन था ना उस पर। और यार ये है ना, ये मेरी हाइट यार इतनी ज़्यादा है, ये मैं इड़ रहा हूँ बिल्कुल, ऐसे होकर करना पड़ रहा है मेरे को, बैठना पड़ रहा है। तो अभी का कुछ सीन ऐसा है, अभी है ना हम लोग खाना खाने वाले हैं। अभी यार देखो रात तो हो चुकी है, अब सोना भी पड़ेगा, अब ये बोल रहा था नींद आ रही है। तो देख मैं आपको दिखा देता हूँ मम्मी ने क्या क्या दिया खाने के लिए। यार देखो आपको ये दिख रहा है ना भाई, ये है चूरमा, ये मम्मी बना के दी थी हमको, और इसके अंदर घी और शक्कर और आटे का बनता है चूरमा, और राजस्थान का फेवरेट होता है। और तुम क्या लेके आए हो? सब कुछ है भाई, सब कुछ चार पांच भाई होटल खोल के लेके आए हैं, 4-5 सब्जियां है, मौज कर दी। तो भाई यार देखो हमने ना ट्रेन के अंदर ये छाछ है जिसको मट्ठा भी बोलते हैं कुछ लोग, तो ये लिए 10 रुपये की। यार बहुत कम देते हैं ट्रेन के अंदर, और वो लोग उधर बैठे हैं, हम लोग इधर बैठे हैं। अब खाना वगैरह खा के फिर आप लोगों से बात करते हैं। यार देखो वहाँ पर भी होटल खुली पड़ी है, यहाँ पर भी होटल खुल रही है, और यहाँ पर भी, तो पूरा मतलब डाल के आपस में शेयर करके सारे लोग, और फिर खा रहे हैं। मैंने तो भाई चूरमा लेके आया था भाई, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, राजस्थान का फेवरेट होता है, मैं तो ये खा रहा हूँ। बाकी सब्जी भी आ गई, मस्त है सब कुछ, ठीक है खाते हैं भाई। ट्रेन में ना खाना खाने का ना मज़ा ही अलग आता है। देखो यार कैसे बैठे हम लोग सारे, ये बस अकेला है बेचारा, उधर लोग दो लोग बैठे हैं और इधर हम लोग दो लोग बैठे हैं। तो खाना वगैरह खा लेते हैं फिर मिलते हैं भाई। इसको इतनी ज़्यादा भूख लगी है, लग गया सीधा ये। द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो भाई यार अभी का कुछ सीन ऐसा है भाई, हम आ गए थे पुणे, और यार देखो रात को क्या हुआ, ट्रेन के अंदर ना लाइट थी नहीं, मतलब कि लाइट थी बट जो चार्जिंग पॉइंट होता है ना उनमें लाइट नहीं आ रही थी, और मेरा फोन हो चुका था भाई स्विच ऑफ, तो उस वजह से ना बाकी का वीडियो शूट नहीं हो पाया वहाँ पर। तो अभी हम लोग आ चुके हैं भाई पुणे के अंदर, और जहाँ पर हम रुके हुए हैं ना, जहाँ पर स्टे कर रहे हैं हम, वो आपको मैं दिखा दूंगा। बाकी है ना 2-3 दिन रुकना है मेरे को यहाँ पर, फिर बाद में मुंबई चला जाऊंगा जहाँ पर शूटिंग चल रही है। तो भाई यार अभी आपको ना मैं यहाँ का सीन दिखा देता हूँ, कैसा सीन है कैसा नहीं है, कैसे घर में रुके हैं हम लोग कैसे नहीं है। तो देखो सबसे मेन बात है ना इसकी है ना सफाई पहले हम लोग करनी पड़ेगी पहले, क्योंकि अभी मतलब ये बंद पड़ा था 2-3 महीने से ये घर, तो बहुत ज़्यादा धूल वगैरह हो जाती है ना। तो पहले आपको घर दिखा देता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। तो भाई यार देखो हम है ना इस घर में रुके हुए हैं, ये क्या चल रहा है? अरे भाई अभी चला रहा है। पता है ये चारों पांचों लोग बैठ के सिर्फ एक टाइम देख रहे हैं। और कुछ पसंद रोबोट आ रखा है। ये क्या कर रहा है? पेंटिंग दिखाना। अरे भैया तू क्या देख लियो? अरे भाई क्या पेंटिंग है यार, ये क्या कर रहा है? तो भाई यार ये है हमारे दोस्त वगैरह जो हमारे टीम मेंबर बन के आए हैं 2-3 दिन के लिए। तो भाई कैसे हो? थकान ठीक है? अब तो यार सफाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ खाने पीने के लिए बनाते हैं ना। कर लेते हैं तो यार देखो अभी है ना पूरी सफाई हो चुकी है। अब यार देखो आप लोग सोचते हो कि कोई व्लॉगर है यूट्यूबर है बड़ा तो कुछ काम नहीं करता होगा, भाई सारा काम करना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है, पोछू लगाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। यार देखो अभी आपको मतलब थोड़ा बहुत काम और बचता है वो करके उसके बाद कुछ खाना वगैरह लेके आएंगे। और इधर देखो ऑलरेडी खा रहा है ये देखो उल्टी चला गया। तो अभी देखो थोड़ा काम करके और फिर आप लोग से मिलते हैं, और शाम को ना कहीं घूमने के लिए चलेंगे यहाँ पर, तो कर लेते काम फिर मिलते हैं आप लोगों से।
तो गाइस यार पूरा काम हो चुका है और यार आते सर है ना यहाँ पर आते ही काम करना शुरू कर देते भाई, इतने ज्यादा थक चुके हैं। और अभी का टाइम बताए ना तो 12 बज चुके हैं और हम लोग यहाँ पर 8:30 बजे पहुंच गए थे, काम वगैरह हो गया। और देखो इधर भाई बिना बोले ही लग गए ये लोग तो, यार भूख लग रही थी यार, क्योंकि यार रात को आप लोगों ने देखा था रात को कब खाए थे हम लोगों ने खाना, और अब खा रहे हैं ना, तो मैं भी खा लेता हूँ, भुक्कर सारे खत्म कर देंगे उसके बाद है ना। अभी देखते हैं थोड़ा आराम करना पड़ेगा क्योंकि यार इतने ट्रेन में है ना बहुत ज्यादा थक गए यार, सही बताया ना बहुत ज्यादा आराम वगैरह करके। तो फिर एक शनिवार आया यहाँ पर घूमने के लिए ना, तो वहाँ पर जाएंगे, अब देखते हैं कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी तो आराम करेंगे, आराम करके उठेंगे ना तब बताता हूँ आप लोगों को। तो भाई यार देखो अभी अगर सीन ऐसा है, अभी हो चुकी है रात और भाई हम लोगों ने ना मतलब क्या ही नाश्ता किया आप लोगों ने देख लिया, और खुद से मैंने खुद से बनाया था। तो भाई यार अभी अगर सीन ऐसा है, मैं तो यहाँ पर इंटर मतलब आउटर शूट कर रहा हूँ और इधर ये लोग है ना हॉरर मूवी देख रहे हैं, सारे लोग वो बैठ के इधर हॉरर मूवी चल रही है वो देख रहे हैं। भाई मेरे को भूतों की मूवी से इतना ज्यादा डर लगता है भाई, बहुत ज्यादा, मैं नहीं देखूंगा, मैं सो रहा हूँ जाके। तो भाई यार अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय और टेक केयर।